नमस्कार भारत 360 को स्वागत करुछि अविनाश षडंगी। आज बड़ खबर आरंभ करबा बुलेटिन। फासी खुंटरे ही झुलिबे निर्भया गण दुष्कर्म एवं मृत्यु मामलार दोषी। मामलार पूर्व दोषी सब्यस्त हो मृत्यु दंडादेश पाई सारीथिबा तीन अपराधी रिव्यू पिटीशन खारज कर सुप्रीम कोर्ट। आउ जने अपराधी रिव्यू पिटीशन दाखल करिनथिले। आज सुप्रीम कोर्ट प्रधान विचारपति जस्टिस दीपक मिश्रा नेतृत्वाधीन खंडपीठ तीन दोषी रिव्यू पिटीशन खारज कर देबा परे समानक पाखरे दुईट ही विकल्प रही। समाने क्यूरेटिव पिटीशन दाखल करिपारिबे नहले राजक्षमा पई राष्ट्रपति दरस्त होई परिबे। फासी रे झुलिबे निर्भया बलात्कारी दोषी रिव्यू पिटीशन खारज कले सुप्रीम कोर्ट। पूर्वरु तल कोर्ट सुनाई थिले फासी दंडादेश। बहुचर्चित 2012 दिल्ली गण दुष्कर्म मामलें निर्भया को मिलला न्याय। सारा विश्व में चांचल्य सृष्टि करिथिबा निर्भया गण दुष्कर्म और मृत्यु मामलें मृत्यु दंडादेश पाइथिबा तीन दोषी विनय मुकेश पवन का रिव्यू पिटीशन को खारज कर सुप्रीम कोर्ट। प्रधान विचारपति जस्टिस दीपक मिश्र, विचारपति आर भानुमति और विचारपति अशोक भूषण को नहीं गठित खंडपीठ मामलार विचार कर चूड़ांत राय सुनाई। फल विरल विरलतम अपराध कर दोषी फासी खुंटर झुलवा एक प्रकार निश्चित हो। खंडपीठ कहते दंडादेश पुनर्विचार करथार्थता नहीं। मामलार अन्यतम दोषी अक्षय कुमार सिंह रिव्यू पिटीशन दाखल करनाला जब रिव्यू पिटीशन खारज होगा दोषी निकट में एवं दुईट विकल्प बाकी रही। क्यूरेटिव पिटीशन भाव पुणि थे से सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ हो पारे। सुप्रीम कोर्ट क्यूरेटिव पिटीशन को खारज करदे दोषी मैंने राष्ट्रपति निकट में क्षमा आवेदन करें। न्याय जस्टिस फॉर ऑल सबके लिए न्याय है, सबके लिए न्याय होना चाहिए और इनके साथ अनजस्टिस हुआ है। लीगल ऑप्शन बसता है देश की अपेक्स कोर्ट से इन बच्चों के साथ पब्लिक प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, मीडिया प्रेशर में फैसला हुआ। 2017 में 5 तारीख रे सबु चार दोषी मृत्यु दंडादेश कायम रखी सुप्रीम कोर्ट। पर तीन जन दंडादेश पुनः समीक्षा पर आवेदन करते ट्रायल कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट दंडादेश को न्याय नारे हत्या बोली अभिहित करते तीन अभियुक्त। 2017 मसीहा नवेम्बर मसने अभियुक्त रिव्यू पिटीशन शुणाणी राजी होते सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को चूड़ांत राय को विभिन्न महलर स्वागत कर। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट परफेक्टली राइट है और ऐसे मामलों में इस तरह का जजमेंट हम स्वागत करते हैं, पूरा देश स्वागत करता है और सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के जजमेंट से एक जो क्राइम करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा लेसन है। सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी को अपहोल्ड करके देश की महिलाओं को, बच्चियों को यह आशा दिलाई है कि वह उनकी इज्जत की मान रखेगा और ये जो बढ़ते हुए रेप की घटनाएं हो रही हैं इनको रोकने के लिए कड़क कानून को इम्प्लीमेंट करेगा। सुप्रीम कोर्ट का राय को स्वागत कर निर्भया बापा माँ दंडादेश नहीं बेस खुशी थी उभय। बहुत टाइम लग गया, 6 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं लेकिन देर से ही सही एक बार फिर निर्भया को सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ मिला, देश को पूरे देश को इंसाफ मिला क्योंकि उस टाइम से हमारे साथ चाहे मीडिया से लेकर पूरे समाज के बच्चे बच्चियां सब लोग जुड़े हुए हैं, सब यही चाहते हैं कि निर्भया को जल्द से इंसाफ मिले। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, बड़े अच्छे नज़र से हम देख रहे हैं कि जो कुछ हो रहा अच्छा हो रहा है, सब कुछ हमारे फेवर में हो रहा है लेकिन ये देखिए कि हम अकेले नहीं लड़ रहे हैं ना, हम तो सामने दिखते हैं कि जो माता पिता दिख रहे हैं लेकिन हमारे वकीलों ने कितना मेहनत किया है ये हम नहीं बता पाएंगे। 2012 मसीहा डिसेंबर 16 तारीख रे राजधानी दिल्ली रे एक चलंता बस रे 23 वर्षीय मेडिकल छात्री को गण दुष्कर्म करा जायतिला। बर्बरतार सब सीमा टपी जायतिला अपराधी। एक घटना जोगु लज्जित क्रोधित होइतिला देश, सृष्टि होइतिला जन आक्रोश, विदेश रे भी चांचल्य सृष्टि करितिला। ए घटना पीड़ितांकु प्रथमे एम्स रे भर्ती करा जायतिला, परे अवस्था गुरुतर हेबारु तांकु चिकित्सा पई सिंगापुर स्थानांतर करा गला। सेठारे 2012 मसीहा डिसेंबर 29 तारीख रे आखि बुझिथिले पीड़िता। गण दुष्कर्म मामलें मोट 6 अभियुक्त को गिरफ्त कर 6 अभियुक्त बस ड्राइवर राम सिंह जेल रे आत्महत्या करिथिला। आउ जने अपराधी नाबालक थिबारु ताकु बाल सुधार गृह को पठाई दिया जायथिला। निर्भया गण दुष्कर्म और मृत्यु मामलें देशव्यापी आक्रोश क्षोभ सृष्टि होइथिबारु तत्कालीन केन्द्र सरकार महिला विरोधी जौन हिंसा आईन को आहुरी कठोर करिथिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। तबे निर्भया गण दुष्कर्म एवं मृत्यु मामलें दोषी रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट खारज करने
ମାମଲାର ପ୍ରଥମ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଛାୟା ଶର୍ମାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆସୁନ ଶୁଣିବା। सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि मन में जज्बा होना चाहिए विक्टिम्स की हेल्प करने का, और जेन्युइनली अगर यू नो टीम्स फॉर्म करके जिस तरह से हम लोगों ने टीम एफर्ट लगाया, सारी एविडेंस को प्रॉपरली इंटीग्रेट करके प्रेजेंट किया बिफोर द कोर्ट, आई थिंक दैट वाज इम्पॉर्टेंट। बहुत कम समय में चार्जशीट और अपनी रिपोर्ट्स दायर करी हमने कोर्ट में। अपने लिए खुद हमने एक बेंचमार्किंग सेट करी थी कि हम 18 दिन में ये कर देंगे, उसके बाद हम इतने दिन में फर्स्ट चार्जशीट सेकंड चार्जशीट फाइल कर देंगे। तो बहुत सारे नए बेंचमार्क्स हमने सेट किए, और दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ द एंटायर टीम। वन पर्सन कैन नॉट टेक द क्रेडिट। परवर्ती खबर को आसीबा, देशर सब जिला रे दारुल काजा बा सारिया कोर्ट प्रतिष्ठा पाई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बा एआईएमपीएल भी निष्पत्ति नहीं छि। इस्लामिक आईन अनुसार मुस्लिम संप्रदायर विभिन्न माली मुकदमार फैसला सारिया कोर्ट रे करा जियो बोली बोर्ड पक्षर कुआ जाय छि। सारिया कोर्ट प्रतिष्ठा पाई पांठी जोगाड़ एवं निष्पत्ति कार्यकारी नै आसंता 15 तारीख रे हेबाकु थिबा बोर्ड बैठक रे व्यापक आलोचना हेबो। इस्लामिक बा सारिया आईन रे थिबा त्रुटि विच्युति एवं असंगति संपर्कित मामला सारिया कोर्ट गुरिक रे समाधान होई परियो बोली पर्सनल लॉ बोर्ड पक्षर कुआ जाय छि। बर्तमान उत्तर प्रदेश में 40 सारिया कोर्ट रही, किंतु एवं देशर सब जिले में सारिया कोर्ट खोल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वरिष्ठ सदस्य जाफरायफ जिलानी कहते देश में सारिया कोर्ट प्रतिष्ठा किसी नुआ कथा नुहे, किंतु ट्रिपल तलाक और निकाह हलाला भली प्रथा उच्छेद केन्द्र पदक्षेप परिप्रेक्षी में मुस्लिम बोर्ड सारिया कोर्ट प्रतिष्ठा निष्पत्ति नहीं समालोचना होती। तबे बोर्ड निष्पत्ति को विरोध कर सिहा वाकअप बोर्ड। देखिए, यह समझना होगा कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ यह कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है, यहाँ संविधान के द्वारा देश चलता है, इसलिए इस तरीके से बात करना का कोई औचित्य नहीं है। भारत के संविधान के तहत यहाँ अदालतों की नियुक्तियां होती हैं, जजों की नियुक्तियां होती हैं, ये शरई अदालतों का यहाँ अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, यहाँ पर काजियों का अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? जहाँ इस्लामिक हुकूमतें होती हैं, जिस मुल्क में इस्लामिक हुकूमत होती है वहां पर शरई अदालतों का अपॉइंटमेंट हुकूमतें करती हैं। उत्तर प्रदेश रो नोएडा रे विश्वर सबुठारु बड मोबाइल फैक्ट्री निर्माण करिछि विश्वर अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक्स सामग्री उत्पादनकारी कंपनी सैमसंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भारत गस्तरे थिबा दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति मुंजाई इन सैमसंग रे बृहत कारखाना को मिलित भावे उद्घाटन करिछन्ति। ए कारखाना द्वारा प्राय 70,000 लोक कर्मनियुक्ति पाई परिबे। नोएडा रे उद्घाटित होइछि विश्वर सर्वबृहत मोबाइल फैक्ट्री। कोरिया कंपनी सैमसंग्र मोबाइल फैक्ट्री को उद्घाटन करिछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति मून जाई इन। नोएडार सेक्टर 81 सैमसंग्र एही मोबाइल फैक्ट्री केवल भारतर नुहे बरम सारा विश्वर सबुठारु बड़ मोबाइल फैक्ट्री। 1995 निर्माण आरंभ होइथिबा एही फैक्ट्रीरु प्रतिमासरे 50 लाख मोबाइल फोन निर्माण होउथिबा बेले एबे एठारु प्रतिमासरे 1,20,000 मोबाइल फोन प्रस्तुत हेब। आगामी दिन में भारतीय बाजार में सैमसंग मोबाइल दाम ह्रास पाई। नोएडार मोबाइल फैक्ट्री निर्मित मोबाइल भारत समेत पश्चिम एशिया यूरोप और आफ्रिकार बिक्री करने को लक्ष्य रखी सैमसंग। सैमसंग एही फैक्ट्री संप्रसारण लगे प्राय 4,915 कोटी टंका निवेश करिछि। नुआ यूनिट लगे अधिक 75 एकर जगह नियाजाइछि। केवल मोबाइल फोन नुहे, नोएडा फैक्ट्री प्रस्तुत होता कंपानी अन्य इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री परिमाण वृद्धि पाइब। सेपटे रोजगार वृद्धि लगे बेस सहायक हेब। संप्रसारण होगापर एठार प्राय 70,000 अधिक कर्मचारी रोजगार मिल। नोएडा व्यतीत तमिलनाडुर श्री पेरुम्बुदुर रही सैमसंग आउ एक फैक्ट्री। 5,000 करोड़ रुपये का ये निवेश न सिर्फ सैमसंग के भारत में व्यापारिक रिश्तों को मजबूत बनाएगा, बल्कि भारत और कोरिया के संबंधों के लिए भी अहम सिद्ध होगा। इससे 4 लाख से अधिक नौजवानों को सीधा रोजगार मिला है। रोजगार निर्माण में भी सैमसंग की अग्रणी भूमिका रही है। 1990 सैमसंग भारत में प्रथम फैक्ट्री आरंभ कर। नोएडा रे सैमसंग 1995 एही यूनिटर शुभारंभ करिथिला। प्रथमे एठारे केवल टीवी सेट निर्मित होउथिला, किंतु पर एठारे मोबाइल फोन एवं फ्रिज निर्माण आरंभ होइथिला। देशरे सैमसंग 2 फैक्ट्री थिबा बळे 5 रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर रहिछि।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। द्वितीय दिन रे गुंफारु आउ चारि जण पिलांकु उद्धार करागला। मुंबई रे कोप वर्षा करुछि विपदर वर्षा। मुंबई रे प्राय अधिकांश स्थान पानी रे हुछि उपटुब। लगाना वर्षा महानगर रे लगाई देछि ब्रेक। जलबंदी होइछन्ति हजार हजार लोक। ସହର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଏ ସମୁଦ୍ର, ସେହି ମାୟାନଗରୀ ଏବେ ପାଲଟି ଯାଇଛି ସମୁଦ୍ର। ଆକାଶରୁ ବର୍ଷୁଛି ବିପଦ, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଛୁଟୁଛି ବନ୍ୟା ଜଳ। ପାଣିରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ମାୟାନଗରୀ, ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇବାସୀ। ଘରୁ ନେଇ ରାସ୍ତା ଯାଏ ସବୁଠି ଅସହାୟତାର ଚିତ୍ର। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି। ଥମିଯାଇଛି ମୁମ୍ବାଇର ଲାଇଫଲାଇନ, ରାସ୍ତା ଜାମ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ପାଲଟିଥିବା ମାୟାନଗରୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ବେହାଲ ଅବସ୍ଥା। ବିକ୍ରୋଲିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ବର୍ଷାର ବିନାଶ ଲୀଳା। ପୋଖରୀ ପ୍ରାୟ ପାଲଟି ଯାଇଛି ରାସ୍ତା। ଅସମ୍ଭାଳ ହେଉଛି ଜଳସ୍ରୋତ, ଆଉ ଲୋକେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ବନ୍ଦରରେ କେମିତି ପାଣିରେ ଖେଳଣା ଭଳି ଭାସୁଛି ଓଜନଦାର ଗାଡ଼ି। ଭୟନ୍ଦରରେ ଭୟାବହ ଦୃଶ୍ୟ, ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ଯେଉଁଥିରୁ ପାର ପାଇବା ମୁସ୍କିଲ। ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ବି ପ୍ରବଳ ଜଳସ୍ରୋତ। ସ୍ୟାଣ୍ଡହର୍ଷ୍ଟ ରୋଡ୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପାଣିର ମାଡ଼ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ ଏ କାନ୍ଥ। କିଙ୍ଗ ସର୍କଲରେ ସବୁକିଛି ପାଣିରେ ଭରପୁର, ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ କେବଳ ପାଣି ଆଉ ପାଣି। ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ପୋଖରୀ। ଏ ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇର ନାଲାସୋପାରା ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠି ବି ଚାରିଆଡ଼େ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚାର ପାଣି। ରେଳ ଧାରଣାରେ ପାଣି ଆଉ ପାଣି। ବର୍ଷା ପାଣିରେ ବଜାରର ହାଲ ବେହାଲ। ବର୍ଷା ଫଳରେ ଏମିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଚିତ୍ର ସାନ୍ତାକ୍ରୁଜ, ସାୟନ ଓ ଅନ୍ଧେରିରେ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ଷା ଆଗରେ ଲୋକେ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଅସହାୟ। ବର୍ଷାରେ ଯେମିତି ପୁରା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଥାନେ। ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଓ ଆଖପାଖରେ ଜମା ହୋଇଛି ବର୍ଷା ପାଣି। ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ରେଳ ଧାରଣା। ସେପଟେ ଭିୱାଣ୍ଡିରେ ବର୍ଷା ପାଲଟିଛି ବଡ଼ ବିପଦ। ରାସ୍ତାରେ ଭରପୁର ପାଣି, ଦୁଇ ଚକିଆ ହେଉ କି ଚାରି ଚକିଆ, ସବୁକିଛି ପାଣିରେ ଉବୁଟୁବୁ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଗକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଏଥିସହ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ କହିବା ମୁସ୍କିଲ ସମୁଦ୍ର ପାଲଟିଥିବା ମୁମ୍ବାଇ କେବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ନେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ତାଜମହଲରେ ନମାଜ ପାଠ କରିବା ମନା। ଏନେଇ ଆଗତ ଏକ ଆବେଦନକୁ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ତାଜମହଲ ପରିସରରେ ବାହାର ଲୋକ ନମାଜ ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଗ୍ରା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଏହି ପିଟିସନ ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଐତିହାସିକ ତାଜମହଲ ବିଶ୍ୱର ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଅନ୍ୟତମ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ମସ୍ଜିଦ୍ରେ ନମାଜ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ପରେ ଏବେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ରଥଯାତ୍ରାରେ ବି ସେବାୟତ ନେଇପାରିବେନି ଦାନ। ଭକ୍ତମାନେ ଯାହା ଦାନ ଦେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହୁଣ୍ଡିରେ ପକାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ରଥରେ ଚାରିଟି ଲେଖାଏଁ ହୁଣ୍ଡି ରଖାଯିବ। ସେମିତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ରଖାଯିବ ଛଅଟି ହୁଣ୍ଡି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ଦଇତାମାନେ ଆଉ ଟିକେଟ୍ କରି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇପାରିବେନି। ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ଏସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଶାସନ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରେ ରଥ। ଏବେ ରଥରେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଉପରୁ କାଢି ନିଆଗଲା ସେବାୟତଙ୍କ ଅଧିକାର। ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ଦାନ ଅର୍ଥ ନେଇପାରିବେନି ସେବାୟତ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ତିନି ରଥ ଲାଗିବା ପରେ ପ୍ରତି ରଥରେ ରଖାଯିବ ଚାରିଟି ଲେଖାଏଁ ହୁଣ୍ଡି। ତା ସହିତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ଛଅଟି ହୁଣ୍ଡି। ଏସବୁ ହୁଣ୍ଡିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ। ଭକ୍ତମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ ସେସବୁ ହୁଣ୍ଡିରେ ହିଁ ପକାଇବେ। ଏ ବାବଦ ସୂଚନା ଫଳକ ପ୍ରଶାସନ ଲଗାଇବ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ
मुख्य प्रशासकों अध्यक्षतार बस बैठक में गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति एक बड़ निष्पत्ति ताला गुंडीचा मंदिर में दर्शन पाई दईता सेवायत माने आउ टिकेट करिपारिबे नाही एतिस रथ को भक्त माने जेमती सहजरे छुई पारिबे सेति पाई बैरिकेड व्यवस्था करा जइबो बोली कहिछंती श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक रथ चारिपट जाक आमर मंदिर तरफ रु हुंडीर व्यवस्था करा हिचि एवं गुंडीचा मंदिर में मध्ये हुंडीर व्यवस्था करा हिचि सेटा प्रशासन तरफ लगा जइबो पब्लिक नोटिस मारि तु चारियाडे कौनसी सेवक मैंने कौन जात्री थारु कौन प्रकार पैसा आदाय करें जी स्वेच्छार जहाँ दब से जो आम जो दान बाक्स तो से ही दान कर रथ में बारटा हुंडी बस जो मैंने भक्त चाहिए मंदिर प्रशासक बसइबे संगे संगे से जेटी पुलिस रे प्रत्येक जगार जो हुंडी पड़ूला से हुंडी बंद करा दिए छ गोटे हुंडी जगन्नाथ मंदिर प्रशासक पकेबे श्रीमंदिर हुंडी पड़े बैठक में दैतापति निजोगर सभापति संपादकों सह चारि बाड़ग्राही और बनकलागी करुथुबा दत्त महापात्र सेवक उपस्थित थिले दान दक्षिणा नहीं प्रशासन रे कटकणा को किसी सेवायत विरोध करिछंती मंदिर भितर सेवायत प्राप्य को प्रशासन नेला एवं रथ पाउणा उपरे आखि जहां निष्पत्ति होउछि श्रीमंदिर रेकर्ड अफ राइट्स अनुसार करा जाउ दक्षिणा होउछि सेवायतकर हक आकु गोटे से प्रस्ताव देसिन सुप्रीम कोर्ट रे तनु करी सब दक्षिणा नबु समस्त जिनस ना कथा नबु मुख्य प्रशासक जो लाइन में कहते परिमाण सब जिनसे करेंगे तेणुकर सहयोग आम प्रति रशासन कह जो जहाँ पड़े हुंडी कि जहाँ पड़ो स प्रशासन बोली लिखा हे तेणी पाँचटा पड़ पे कि दसटा पड़ पे जहाँ पड़ पे ना टिकेट विषय किसी आलोचना है बैठक में दान दक्षिणा और दर्शन कटक निष्पत्ति सहित नेतृत्व सुपरिचालना उपरे होइथिला आलोचना वंशानुक्रमिक सेवारु विरत हेउ कि रथ दान दक्षिणा कटकणा रथयात्रा पूर्वरु गोटिए परे गोटिए विवादीय प्रस्ताव निष्पत्ति सेवायतंक आग्रह ह्रास करिवो कि पुरीरु कैमरामैन अवरेन्द्रंक सह अक्षय मिश्र न्यूज 18 ओडिया केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का चिठी पर मार्कफेड द्वारा चीनाबादाम क्रय सीमा 15 दिन बढ़ला आगामी 19 तारीख पर्यंत मार्कफेड को चीनाबादाम बिकी पारे चाषी एने धर्मेन्द्र प्रधान को पत्र लिखि जनाई केन्द्र कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ए संपर्क में केन्द्र कृषि मंत्री को चिठी लिखिते धर्मेन्द्र जो पुरी कणास और कृष्ण प्रसाद ब्लक चाषी क्रय सीमा बढ़ेबा को अनुरोध कर धर्मेन्द्र उल्लेख करते मौसुमी कारण पाखापाखि 2000 चाषी 50 लक्ष टा मूल्य चीनाबादाम बिकी पारिना तेणु क्रय समय सीमा जुलाई 4 रु बढ़ेबा को अनुरोध करते केन्द्र सरकार के संस्था नाफेड पक्ष स्थानीय मार्केट द्वारा स्थानीय चाषी चीनाबादाम संग्रह करा सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न जनस्वार्थ मामलार शुणी बेले यार लाइव स्ट्रीमिंग करने सपक्ष में मत रखिंट सुप्रीम कोर्ट प्रधान विचारपति जस्टिस दीपक मिश्र अध्यक्षतार गठित एक खंडपीठ ए मामलार शुणी करने बेले लाइव स्ट्रीमिंग को समर्थन करते वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह कोर्ट शुणी लाइव स्ट्रीमिंग तथा सीधा प्रसारण करने नहीं एक जनहितकर आवेदन दाखल करते से कहते विश्वर विभिन्न देश में गुरुत्वपूर्ण मामलार शुणी को टीवी जरिया प्रसारण करपरी भारत में उचित ए प्रसंग में पूर्व होता शुणी बेले कोर्ट आटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल मत देवा जुलाई 23 परवर्त शुणी बेले केके वेणुगोपाल निजर मत रखे आधार और समलिंगी मामला परी गुरुत्वपूर्ण मामलार लाइव स्ट्रीमिंग करने कोर्ट गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं पारती पेशादार बक्सिंग रिंग रे बहुचर्चित बक्सर माइक टाइसन बक्सर इभांडेर हलीफिड का कान कामुड़ी देवा खबर सारा विश्व चर्चार विषय पलटिता एक पेशादार बक्सिंग इवेंट रे देखा मिलता एक घटना हेले कर्नाटक रे एक घटना देखा मिली एक बस ड्राइवर आउ जे ड्राइवर कान को कामुड़ी देवा सहित यह बिरीयी सहित खाई घटना बेस चर्चार विषय पलटि मिले सूचना अनुसार दुई ड्राइवर मधु और सुरेश भितर गंडगोल होता उभय बंधु अटंती उत्तर कर्णाटक पर्यटकों सहित मैंने उड़पी आसी उभय बिरीयी खाइबा बेले गंडगोल होवर सुरेश मधुर कान को कामुड़ी सुरेश मद्यपान करथिबारु कानो को बिरीयी सहित खाई जने प्रत्यक्षदर्शी कहते पुलिस एने एक मामला रुजू करी तदंत चल भारत 360 खबर अविनाश को विदाय दिंतु नमस्कार।